हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और घर पे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड डायमेंशंस जो सिविल इंजीनियर और इंटीरियर डिजाइनर एंड आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे ये पार्ट वन है वीडियो का, ऐसे करके काफी सारे पार्ट आएंगे जिसमें मैं कंप्लीट स्टैंडर्ड डायमेंशंस के बारे में बात करूंगा। तो आज की वीडियो में प्रॉपर हाइट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड हाइट ऑफ पैरापेट वॉल। सबसे पहले तो आपको समझना है व्हाट इज पैरापेट वॉल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पैरापिट वॉल ये होती है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो आपकी हिंदी में हम इसे मुंडेर भी बोलते हैं। ये आपकी जो हाइट होती है इसकी, वो 3 फीट से 3.5 फीट तक होती है, 3 फीट 6 इंचेस तक, अगर मैं फिट इंचेस की बात करूं। अगर हम इससे ज्यादा करते हैं तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती, और इससे अगर कम करते हैं तो उसपे से गिरने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ, ये पैरापिट वॉल जो आपकी होती है, ज्यादा अगर करोगे तो वो लोड भी आएगा आपका लिंटल के ऊपर, जो 3 फीट आपका बाहर निकला वो होता है, क्योंकि जो आपकी पैरापिट वॉल होती है वो उन्हीं के ऊपर होती है। तो इसके साइजेस भी डिपेंड करता है कि अगर आप 9 इंचेस ले रहे हो तो उसकी हाइट कितनी ले रहे हो, अगर 4 इंचेस की आप साइज ले रहे हो तो उसकी हाइट कितनी ले रहे हो। तो ये भी चीजें डिपेंड करते हैं, जिसको मैं अलग से वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। आज की हम सिर्फ हाइट की बात करेंगे। तो काफी सारी टाइप्स की आपकी जो होती है आपकी पैरापिट वॉल, तो काफी सारी टाइप्स की होती है। ये ब्रिक्स में अगर मैं आपको दिखाऊं, और अगर आजकल जो स्टैंडर्ड चल रही है, स्टील की चल रही है, ग्लासेस की चल रही है, तो इनकी जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो 3 फीट से लेके 3.5 फीट तक होती है। इंचेस में बात करूं 36 इंचेस टू 42 इंचेस। एमएम में अगर बात करें तो 1 फीट में आपके 300 mm होते हैं, तो आपके हो गए 900 mm टू 1000 mm। अगर सेंटीमीटर में बात करूं तो 90 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर की आपकी होती है, और मीटर में बात करें तो 0.9 मीटर से 1 मीटर तक की आपकी हाइट ये हो सकती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ डीपीसी। डीपीसी क्या होता है? डीपीसी होता है डैम प्रूफ कोर्स। अगर मैं जाऊं यहाँ पे आपका दिखाऊं इसको, डीपीसी को, ये डीपीसी होती है जो हम फुटिंग डालते हैं, जो फाउंडेशन करते हैं उसके ऊपर, जब आपका डीपीसी का टाइम आता है तो ये आपकी डीपीसी आपने देखी होगी, खाली प्लॉट में भी आपने इस टाइप की डीपीसी को देखा होगा। इसकी जो स्टैंडर्ड होता है वो 40 to 50 mm हम साइज को रखते हैं। अगर इंचेस की बात करें तो 1.5 इंचेस टू 2 इंचेस का स्टैंडर्ड इसका हम रखते हैं। ओके, उसके बाद बात करें स्टैंडर्ड हाइट ऑफ सिंगल फ्लोर, मतलब जो अब आप लिंटर डालोगे, एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग आप बना रहे हो या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, तो पर्टिकुलर एक फ्लोर की हाइट आप कितनी रख सकते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, 10 फीट से 12 फीट का हमारा हाइट होती है जो हम फ्लोर की रखते हैं। हम 10 फीट भी रख सकते हैं, हम 9 फीट भी रखते हैं, डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ी बिल्डिंग आप लेके जा रहे हो, फाउंडेशन कैसे हो, पूरे डिजाइन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी हाइट इस चीज को लेके जा रहे हो। बट आजकल स्टैंडर्ड 10 फीट 11 फीट या 12 फीट हम रखते हैं। अब ज्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि फॉल सीलिंग लगानी होती है। अगर आप फॉल सीलिंग का काम करवाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ज्यादा रखें 12 फीट पे। और जब पैरापिट वॉल आ जाती है, तो अगर आप सामने से देखेंगे पैरापिट वॉल के साथ, तो इसकी हाइट जो आपकी हो जाती है वो 13-14 फीट के आसपास यहाँ पे हो जाती है। ओके, एमएम में बात करें 3000 mm टू 3600 mm, सेंटीमीटर में बात करें 300 टू 360 mm आपकी सेंटीमीटर आपकी हाइट होती है। ये स्टैंडर्ड आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद बात करें स्टैंडर्ड हाइट ऑफ विंडो। आपकी जो विंडो होती है उसकी स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है? स्टैंडर्ड हाइट बेसिकली हम लेके चलते हैं 4 फीट की हाइट, जो स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं। बट अलग अलग सिनेरियो में, मान लो मैं यहाँ की विंडो की बात करूँ, आप यहाँ पे विंडो देख पा रहे हो, अब डिजाइन के अकॉर्डिंग आपकी विंडो के साइजेस भी अलग हो रहे हैं। 5 फीट 6 इंचेस की विंडो है, 4 फीट 6 इंचेस की विंडो है, ये 3 फीट 6 इंचेस की विंडो है। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड हम लेके चलते हैं वो 4 फीट का लेके चलते हैं, और जो 4 फीट होता है उसमें क्या होता है, 3 फीट आपका सिल लेवल होता है। सिल लेवल क्या होता है? सिल लेवल होता है बेस से लेके आपकी विंडो के बेस तक की जो ये वाली हाइट होती है वो 3 फीट होती है, फिर 4 फीट की विंडो होती है, फिर अगर 9 फीट की अगर आपकी वॉल है तो 2 फीट बचता है, या 10 फीट की है तो यहाँ से 3 फीट आपका रिमेनिंग बचता है, और ये डोर जो लेवल होता है उसके डोर लेवल तक होती है आपकी विंडो, इसलिए 3 फीट यहाँ पे डोर की जो आपकी हाइट होती है बेस, 7 फीट हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप मीटर, सेंटीमीटर और इंचेस में क्लियरली देख पा रहे हो विंडो की हाइट। उसके बाद डोर की हाइट हम लेते हैं अप्रोक्स 7 फीट।
अगर हम मीटर में बात करें 2.1 मीटर होती है, इंचेस में बात करें 84 इंचेस की हम हाइट लेके चलते हैं। इसका भी क्या है कि डिपेंड करता है, अब 2100 हमारी एमएम हाइट है जो 7 फीट के अराउंड है, तो विड्थ हम चेंज कर लेते हैं 700 mm, 800 mm, 900 mm, डिपेंड करता है कि आपका बेडरूम का डोर है, वॉशरूम का डोर है, किचन का डोर है, उसके अकॉर्डिंग हम डोर के साइजेस को वेरी कर लेते हैं। बट स्टैंडर्ड जो हम लेके चलते हैं वो 3 फीट बाई 7 फीट का हम डोर का स्टैंडर्ड साइज लेके चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट स्लैब। जो ये कॉन्क्रीट स्लैब डाली जाती है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाली कॉन्क्रीट स्लैब डाली जाती है, इसकी थिकनेस जो हम रखते हैं वो 4 इंच से 6 इंच के बीच में इसकी थिकनेस होती है। जो हम लेंटर डालते हैं उसकी थिकनेस 4 इंच से 6 इंच रखते हैं। एमएम में बात करें 100 mm to 150 mm और सेंटीमीटर मिनिमम, और ये मैक्सिमम बताई गई है कि आप किसमें कितनी रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड हाइट ऑफ स्कर्टिंग। जो आपकी स्कर्टिंग लगी होती है आपकी, वो स्कर्टिंग की जो स्टैंडर्ड हाइट होती है 3 इंच से 6 इंच रखते हैं। 3 इंच कहीं कहीं पे रखी जाती है 3 इंच, बट मोस्टली 4 इंच ही रखी जाती है, 6 इंच रखी जाती है इन अनदर केस अगर मैं स्कर्टिंग की बात करूं। अगर मैं यहाँ पे स्कर्टिंग की बात करूँ तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती है। आप इस टाइप का प्रोफाइल अगर बनाओगे तो और हाइट आपकी ज्यादा हो जाएगी, नॉर्मल लगाओगे इस टाइप की तो हाइट आप 4 इंच या 3 इंच यहाँ पे रख सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपका स्कर्टिंग का प्रोफाइल कैसा है, उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही आपकी स्कर्टिंग का साइज यहाँ से डिफाइन होता है कितनी बड़ी आप यहाँ पे स्कर्टिंग लगाने वाले हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइट ऑफ किचन कैबिनेट। जो आपके किचन कैबिनेट लगते हैं उसकी स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है, वो होती है 2 फीट 6 इंच से लेकर 2 फीट 9 इंच तक ले सकते हैं ओनली कैबिनेट हाइट। क्लियर है? इंचेस में बात करें 30 इंच बाई 33 इंच, और ये डायमेंशन आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइट ऑफ कंप्यूटर टेबल। जब कंप्यूटर टेबल आप यूज करते हो तो उसकी स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है, तो जो कंप्यूटर टेबल की स्टैंडर्ड हाइट होती है वो 28 इंचेस से 30 इंचेस हो सकती है, मैक्सिमम 28 इंचेस ही होती है। 30 इंचेस भी आपकी थोड़ा सा, अगर आपकी हाइट लंबी है तो उस पे अगर सही है, बट नॉर्मली हम 28 इंचेस रखते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपका बैठने का स्टाइल है वो किस तरीके से होगा, चेयर की हाइट कितनी होगी, सिटिंग हाइट कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मली हम बात करें तो जो कंप्यूटर टेबल होती है वो 28 इंचेस से 30 इंचेस की हम बीच में हाइट रखते हैं, जो बेस से लेके इसके टॉप तक की हाइट होती है, टेबल टॉप तक की हाइट। ओके, उसके बाद डाइनिंग टेबल की हाइट की बात करें तो जो स्टैंडर्ड हाइट होती है डाइनिंग टेबल की वो 28 इंच से 30 इंच तक की होती है, जो आपकी नॉर्मल कंप्यूटर टेबल की होती है। और जो आपकी सिटिंग होता है यहाँ पे 18 इंच टू 23 इंच तक आपकी सिटिंग हाइट होनी चाहिए जो आप चेयर वहां पे यूज कर रहे हो। अगर आप काउंटर हाइट टेबल की बात करेंगे तो ये थोड़ी बड़ी होती है, 24 इंच टू 26 इंच तो इसकी सिटिंग हाइट होती है, और 34 इंच से 36 इंच की इसकी टेबल हाइट होती है। बट अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें एक आपका, तो ये डाइनिंग टेबल है 76 इंचेस है बेस से लेके इसके टॉप तक की हाइट, जो आप चेयर यूज कर रहे हो 50 सेंटीमीटर है इसकी सीटिंग हाइट, 76 सेंटीमीटर है ये, और जो सीटिंग से ऊपर तक की हाइट है वो 21 इंचेस है, और सीटिंग से इसके ऊपर टॉप तक की हाइट है वो 26 सेंटीमीटर है। तो ये है आपके डाइनिंग टेबल की हाइट जो आप यहाँ से यूज करते हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं। अब मार्केट में तो पता नहीं कितने सारे टाइप्स के अवेलेबल हैं, वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ थोड़े छोटे कुछ थोड़े बड़े होते हैं। बट मैंने जो ये सीरीज स्टार्ट की है वो स्टार्ट की है कि आप क्या क्या स्टैंडर्ड्स रख सकते हैं बाय डिफॉल्ट। तो ये थी आज की बात सिर्फ हाइट के ऊपर। आगे चल के हम बात करेंगे सिविल स्टैंडर्ड डायमेंशंस और भी काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में बात करनी है तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। और 18 अगस्त से मेरा स्टार्ट होने वाला है लाइव क्लासेस ऑन फोटोशॉप में, कैसे आप ऑटोकैड के टाइम को रेंडर कर सकते हैं उस टॉपिक पे, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके लिए बेस्ट ऑफर वहां पे दिए जा रहे हैं जो 18 अगस्त के स्टार्ट होने वाला है। और भी कोर्सेज आप सर्च आउट कर सकते हैं जहां पे मेरे सारे ही वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, तो वहां पे आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें, और बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टैंडर्ड्स पे किस चीज पे रखने वाला हूं, या फिर आप जो सजेस्ट करेंगे मैं उस पे वीडियो बना सकता हूं। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।